राशि दे रही, जो हक है हमारा वो तो राशि जारी कर दे। पूरे 8 करोड़ आपने उसको, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात मैं आंकड़े पे नहीं जा रहा हूँ, आंकड़े आपके पास है। जो राशि पे हमारा हक है, मैं अगर पेट्रोल लगवाता हूँ तो मैं मध्यप्रदेश का नागरिक हूँ, उसमें मेरा हक बनता है, जिससे सड़कें दुरुस्त होती है, वो राशि नहीं दे रही है। मतलब कैसा सुनतेला व्यवहार, किस तरह की जानू। 28 सांसद चुप हैं, हमारे नेता ने सच कहा है कि 28 सांसद नपुंसक हैं, उनको जाना चाहिए। मैं बात दोहराना चाहता हूँ, सदन ने कहा इस बात के लिए, हम भी उस बात पर सहमत है। 28 सांसद चुप क्यों है, क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री के पास? क्या बोलती बंद हो जाती है अमित शाह के सामने? क्या बोलती बंद हो जाती है नरेंद्र मोदी के सामने? मध्यप्रदेश के निवासी है, मध्यप्रदेश की जनता को चुना है, उनका अधिकार बनता है कि जाके राशि मांगे हो जाते हैं। आपने 28 सांसदों पे एक विवादित टिप्पणी की अभी, मैंने टिप्पणी मैंने कहा सांसद जो है, हाँ मैं सहमत हूँ ना, सज्जन वर्मा जी ने कहा, मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो ऑन दी रिकॉर्ड यूट्यूब पे, हम उस बात से आज सहमत दिख रहे हैं कि इस तरह के वातावरण से क्या जनता, जनता को देना क्या चाहती है, सांसद क्या चाह रहे हैं? इस 28 सांसदों का क्या दायित्व नहीं है? क्या मध्यप्रदेश की जनता के प्रति उनकी कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि केवल राजनीति करते आएंगे, छोटी छोटी बातों में खाली धमाचौकड़ी मचाते रहेंगे? अपने शासन के पास जाना चाहिए। सज्जन भाई सांसद नहीं रहे क्या? क्या हम उनके और वरिष्ठ दूसरे नेता सांसद नहीं रहे? 28 सांसदों की बैठक करके माननीय प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए कि मेरे मध्यप्रदेश का राशि आप रोक नहीं सकते, मेरा मध्यप्रदेश क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्षेत्र क्यों नहीं हो रहा है, मेरा देवास, मेरा इंदौर, मेरा उज्जैन क्यों नहीं हो रहा है? क्या हम एक पार्टी गुलाम है? ये गलत परंपरा है। सांसद को अधिकार पूर्वक बात करना चाहिए कि मेरे क्षेत्र की राशि का विकास समुचित हो, उसके लिए आपको धरना देना पड़ेगा। सांसदों बात करना चाहिए, और बंधुओं मजदूर है नहीं सांसद। सज्जन वर्मा जी का वो स्टेटमेंट उठा देखना, अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बात की थी, जनता के हित में बात की थी उन्होंने। तो ये सांसद जो होता है वो पूरे क्षेत्र का है। मेरा भी सांसद है वो, शकील भाई आपका भी सांसद है वो। सांसद केवल भाजपा का नहीं होता, प्रत्याशी होता है सांसद भाजपा का। आज वो हमारा सांसद 28 को ही कि जो हमारी आवाज ही उठा पा रहे हैं। आप मानते हैं कि नपुंसक है वो? बंधुआ मजदूर भी हम तो साथ में कहना चाह रहे हैं, एक पार्टी बंधुआ मजदूरों के लेकर भाजपा के सांसद नहीं है, सांसद हमारे भी है। मैं कह रहा हूँ, मैं मध्यप्रदेश का नागरिक हूँ, देवास का नागरिक हूँ, तो क्या मेरा सांसद नहीं है वो? मैं अलग हो गया। मेरा अनुरोध ये है कि सांसद बनने के बाद उसको उसको अपनी उत्तरदायित्व से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्यों के प्रति लोग अधिकारों की बात तो बहुत कर लेते हैं, मेरे अधिकार है साहब, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, उसके कर्तव्य क्या है सांसद के? 28 की बात कर रहा हूँ मैं, वरना आप एक में बता जाना, मैं 28 की बात कर रहा हूँ। मैं एक पे चर्चा करना भी नहीं चाहता, मैं 28 की बात करना चाहता हूँ कि 28 सांसद क्या कर रहे हैं, चुप क्यों है? वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साथ जाके प्रधानमंत्री से बात क्यों नहीं करते? क्या मध्यप्रदेश उनको चुना नहीं है? ऐसे भुक्कू बन गए, चुप हो गए, बिल्कुल दिल में जैसे घुस जाते हैं। अरे संविधान पे आके लड़ाई लड़ो, लोकतंत्र है। और क्या होता है ऐसे प्रदर्शन करने से? कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, फोटो छप जाएगा, अगले दिन क्या हो जाएगा उसके अलावा? असली मसला ये है कि राशि लेके आए, विकास कार्य कराए, तब उनको जनता अपना प्रतिनिधि मानेगी। वरना याद रखना, अच्छे अच्छे धूल चाटते नजर आए, कई सांसद बदल गए, कई निकल गए, 5-7 सांसदों को पूछेगा भी नहीं।